फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मीर हिमायत अली पर। मैं हिमायत अली आपके लिए लेकर आया हूँ कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट पर आधारित 100 फुल फॉर्म्स। ये 100 फुल फॉर्म्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि अगर आप CCC, O-Level, A-Level या CCC, BCC, ECC, CCC+ या किसी भी कंपिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं फुल फॉर्म्स में से आपकी फुल फॉर्म्स आती हैं। क्योंकि ये फुल फॉर्म्स वो फुल फॉर्म्स हैं जो आपके लिए पेपर को तैयार करने में बहुत मदद करती हैं। चलिए सबसे पहले फुल फॉर्म्स की तरफ देखते हैं। सबसे पहली फुल फॉर्म है फैट, FET फैट। फैट की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। जी हाँ, ये फुल फॉर्म बार बार पूछी जाती है, CCC के पेपर में भी बार बार पूछी जाती है, ओ लेवल के पेपर में भी, मेरे पेपर में आई थी ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है CAT CAT 5। जी हाँ, ये केबल्स होती हैं और ये केबल 5 प्रकार की होती है, उनमें से ये है केबल कैटेगरी 5 केबल्स। चलिए नेक्स्ट है TCP और IP। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं और ये इंटरनेट के पेपरों में और नेटवर्किंग के पेपर में ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं, और CCC में भी ज़्यादातर क्वेश्चंस ईमेल से और इंटरनेट से और नेटवर्किंग से ही आते हैं। आपको बता दूं, किसी भी कंप्यूटर के पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल नेटवर्किंग से ही होते हैं। चलिए TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होती है वो IP की फुल फॉर्म होती है। ये दोनों फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती हैं, कभी कभी एक साथ कंबाइंड आ जाती हैं और कभी कभी ये अलग अलग भी पूछ ली जाती हैं। इसलिए आपको इस फुल फॉर्म्स को याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास NIU। जी हाँ, ये कुछ नई है, आपने शायद पहली बार देखते हों, और अगर आपने देख रखी है तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर्स में आ जाती है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं NIC। आपने देखा होगा NIC, और ज़्यादातर NIC आपने नाम सुना भी होगा, और NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगली फुल फॉर्म है मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। उसके बाद टैप, टैप आप जानते ही होंगे, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट, ये ज़्यादातर पूछ ली जाती है, लैन ज़्यादातर पूछ ली जाती है, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, बैन वाइड एरिया नेटवर्क, BGM वॉइस ग्रेड मीडियम। ये फुल फॉर्म ज़्यादा आ जाती हैं एरिया नेटवर्क्स वाली, इनको आप ध्यान रखें, लैन मैन पैन कैन और वैन एंड BGM। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फुल फॉर्म है हमारी यूटीपी केवल। यूटीपी केवल का फुल फॉर्म होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केवल। उसके बाद आता है हमारा STP। STP केवल होती है शील्डेड ट्विस्टेड केवल, और NCF होती है नेशनल साइंस फाउंडेशन। लहल ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट होती है WWW। यहाँ ये ज़्यादातर पूछ ली जाती है। WWW की फुल फॉर्म्स होती है वर्ल्ड वाइड वेब। और आपको मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि एक मेरे ओ लेवल के पेपर में एक फुल फॉर्म्स और आई थी, जिसका फुल फॉर्म था WWW, यानी 4 बार W आए थे, घूम गए ना, 4 बार W आपने शायद ही नहीं पढ़े होंगे, और अगर आपने पढ़ रखे हैं तो ये आपकी बहुत ज़्यादा खुशनसीबी है, क्योंकि बहुत सारी किताबों में 4 W नहीं मिलते हैं। फिलहाल 4 W की फुल फॉर्म भी सुन लीजिए। 4 W की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, और चौथे W की होती है वॉर्म, WORM, वॉर्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गीगाहर्ट्ज़, गीगाहर्ट्ज़ की फुल फॉर्म होती है GHZ की फुल फॉर्म होती है गीगाहर्ट्ज़, HZ की हर्ट्ज़, MH की मेगाहर्ट्ज़, KH की किलोहर्ट्ज़, THZ की टेराहर्ट्ज़, ये इसको आप पढ़ लीजिए। और PDA की फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछ ली जाती है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जी हाँ, पर्सनल असिस्टेंट, डिजिटल असिस्टेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लेज़र, लेज़र की फुल फॉर्म आप जानते ही हैं। लेज़र को हम बोलते हैं कोई लाइट, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्यूलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन।
आप जानते ही हैं रेडिएशन को ही लेजर बोलते हैं, और ये लेजर की फुल फॉर्म थी, बीपीएस की फुल फॉर्म होती है बिट्स पर सेकेंड। बीपीएस की होती है बाइट्स पर सेकेंड। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है, एक अगर छोटी यानी स्मॉल भी आती है तो बिट्स आएगा, और अगर कैपिटल भी आती है तो बाइट्स आएगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ ली जाती हैं। उसके बाद होती है केबीपीएस, किलोबिट्स पर सेकेंड, और एक होती है केबीपीएस। दोनों सेम हैं, बट यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है कि आखिर हम क्या करेंगे यहाँ पर। दोनों एक सेम है, किलोबाइट और किलोबिट्स में देखो अंतर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों सेम हैं, लेकिन यहाँ स्मॉल के होता है और किलोबाइट में के कैपिटल होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की फुल फॉर्म होती है हमारी एमबीपीएस, मेगा बाइट्स को जो स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं एमबीपीएस, मिलियन बिट्स पर सेकेंड। आप जानते ही हैं एमबीपीएस की एक और होती है, उसमें मिलियन बाइट्स होती है, उसमें बिट्स होती है। यहाँ एम स्मॉल होगी और यहाँ कैपिटल होगी, तो कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना है। जहाँ कैपिटल हो वहाँ बाइट होती है, जहाँ स्मॉल हो वहाँ बिट्स होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, P2P। ये फुल फॉर्म ज़्यादा आती है, ये प्रोटोकॉल होते हैं और प्रोटोकॉल्स में ज़्यादातर ये फुल फॉर्म्स आ जाती है। P2P की फुल फॉर्म्स होती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPP की फुल फॉर्म आ जाती है तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है उसका, ये बात ध्यान रखना है आपको। अगले चलते हैं मॉडेम, मॉडेम की फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछ ली जाती है। मॉडेम की फुल फॉर्म मेरे भी पेपर में आई थी, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ये बताते हैं मुझे आकर कि CCC के पेपर में मॉडेम की फुल फॉर्म आई थी, पिछली पेपर में मॉडेम की फुल फॉर्म आई थी, आने वाले पेपरों में भी मॉडेम की फुल फॉर्म आएंगी, इसलिए मॉडेम की फुल फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, AM, जी हाँ AM की फुल फॉर्म होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM की होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, PM की होती है फेस मॉड्यूलेशन, AF की होती है ऑडियो फ्रीक्वेंसी, और DTE की होती है डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, एंड DCE की फुल फॉर्म होती है डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, और CTS की होती है क्लियर टू सेंड, एंड CD की होती है कैरियर डिटेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, RJ/45 रजिस्टर जैक 45। जी हाँ ये फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछ ली जाती हैं, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा। मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फुल फॉर्म की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट फुल फॉर्म होती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ISP। चलिए ISP की फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP की फुल फॉर्म आपको फिर से बता दूँ, ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट चलते हैं, ISDN की फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछ ली जाती है, इसलिए आपको इस पर ध्यान रखना है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछ ली जाती है, इसलिए आप इस पर ध्यान रखें। उसके बाद होती है ISDN, फिर आ गई एक बार देखिए आप, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, उसके बाद आ जाती है HTTP, NFS भी आ जाती है वैसे नेटवर्क फाइल सिस्टम, बट HTTP की फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछ ली जाती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, MIME, ये फुल फॉर्म ओ लेवल के पेपर्स में ज़्यादातर आती है, और CCC के पेपर में भी बार बार पूछी जा रही है कि MIME की फुल फॉर्म क्या होती है। तो MIME की फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। जी हाँ ये फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इस पर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, SMTP भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर भी, क्योंकि जहाँ पर प्रोटोकॉल्स की बात चलती है तो इन प्रोटोकॉल्स के बिना प्रोटोकॉल्स की बात पूरी नहीं होती है, इसलिए ये प्रोटोकॉल्स बहुत ज़रूरी होते हैं और प्रोटोकॉल्स की फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछ ली जाती हैं। यहाँ पर SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करता क्या है कि मैसेज को प्राप्त करता है और भेजता है। चलिए WAIS, WAIS वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस। चलिए FTP की फुल फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ओ लेवल्स के पेपर में ज़्यादातर आ जाती हैं।
URL को आप जानते ही हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URI की फुल फॉर्म आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, बट इसको आप ध्यान रखें, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, URN की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। चलिए अगले चलते हैं, स्लेव सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलते हैं LCP की तरफ, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। NCP की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद देखिए, मैं अभी ऊपर आपको बता ही रहा था कि PP की फुल फॉर्म आ जाती है ज़्यादातर, तो PP की फुल फॉर्म आपको बता ही दिया है मैंने, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारी फुल फॉर्म देखते हैं कहाँ तक है हमारी। नेक्स्ट फुल फॉर्म हमारी है GSM। जी हाँ, ये फुल फॉर्म ज़्यादातर आ जाती है क्योंकि हम GSM की सिम्स भी चलाते हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अगर मोबाइल से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको GSM के फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है, याद हो जाना चाहिए। चलिए सिम की फुल फॉर्म भी देख लीजिए, साथ में ही सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी मॉडल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, SMS की फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछ ली जाती है, शॉर्ट SMS या शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस SMS की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है ये। उसके बाद IDEN इंटीग्रेटेड डिजिटल एनहेंस्ड नेटवर्क। जी हाँ, ये फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछ ली जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा ज़्यादातर इम्पोर्टेंट वाला CDMA। मैं इसमें वो फुल फॉर्म्स ले रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, बाकी आप पढ़ लीजिए, ज़रूरी है कि सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मैं सबको कवर करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको मैंने PDF प्रोवाइड कर दी है, नीचे लिंक आपको दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसको पूरी PDF को पढ़ सकते हैं। फिलहाल आप CDMA की फुल फॉर्म देख लिए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। चलिए WLL की फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछ ली जाती है, वायरलेस लोकल लूप, 3G थर्ड जनरेशन। और उसके बाद ज़्यादातर PSTN की फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछ ली जाती है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ईमेल की फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये बार बार पूछ लिया जाता है। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, ये भी CCC के और ओ लेवल के पेपरों में पूछ ली जाती है कार्बन कॉपी। BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और BSNL की फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड। और एक होती है चूल्हे वाली, यानी 22 नंबर B से भी BSNL होता है, उसकी होती है विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये बात ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारी, देखो आ गई विदेश संचार निगम लिमिटेड। HTML की फुल फॉर्म आपको बता ही चुका हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। XML की एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। DHTML की होती है एक्सटेंस डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ASP की एक्टिव सर्वर पेज। JSP की जावा सर्वर पेज। BB की विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। और PHP हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। Perl की प्रैक्टिकल एक्सटेंशन रिपोर्ट लैंग्वेज। और OSS की ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की ज़्यादातर पूछ ली जाती है। उसके बाद ज़्यादातर पूछी जाने वाली शॉर्टकट की ये फुल फॉर्म्स होती है OSI, ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड या इंटरकनेक्शन। W3C ये बात बार बार पूछी जाती है, W3C फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, एंड 3 की फुल फॉर्म होती है, 3 की तो W3 होते हैं, और C की फुल फॉर्म होती है कंसोर्टियम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, GPL की फुल फॉर्म पूछी जाती है, जनरल पब्लिक लाइसेंस होती है। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारी है फुल फॉर्म SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, ये सवाल ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। SSI की लेयर भी पूछ ली जाती है। और उसके बाद हमारी होती है एंट्री इंसिटल, और उसके बाद IPR, और उसके बाद अर्पानेट। अर्पानेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान रखें, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये सवाल ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारी 100 फुल फॉर्म्स। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आऊँगा नई से नई वीडियोस, जिसमें आपको आपके पेपर्स की तैयारी करने में बहुत सहायता मिलती है, और आपको बिल्कुल इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरी वीडियो देखते रहिए और पेपर को चुटकियों में पास कीजिए, क्योंकि मैं आपके पेपर को तैयार करने में बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत क्वेश्चंस को सेट करता हूँ, वही क्वेश्चंस लेके आता हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फालतू की बात ना करते हुए हम टॉपिक की बात करें, ताकि आपका कीमती टाइम बर्बाद ना हो। क्या फ़ायदा है कि आप वीडियो देखते चले जाएँ और पेपर आए तो पेपर में सन्नाटा। तो ऐसे सन्नाटे से बचने के लिए आप वीडियोस को बहुत अच्छे से देखते रहिए, PDF को पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी खुद कीजिए, किसी के
चक्कर में ना आइए, क्योंकि पेपर को पास करने की कोई भी शॉर्टकट की ट्रिक नहीं होती है। जो लोग दावा करते हैं कि मैं पेपर आपको पास करा दूंगा, या आप ये ट्रिक लगाइए, या आप सही दूसरा तीसरा आंसर सही लगाते चले जाइए, आप पास हो जाएंगे, तो आपकी ये गलतफहमी है। क्या फ़ायदा है आप पेपर पर फेल हो जाएं। मैं नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी से कोई खिलवाड़ करे, और मैं नहीं चाहता कि आप अपनी ज़िंदगी से खुद खिलवाड़ करें, क्योंकि पेपर बार बार नहीं दिए जाते हैं। पेपर आप बार बार बेशक दे सकते हैं, लेकिन टाइम बार बार नहीं आता है, और टाइम जब बार बार नहीं आता है तो जिसके पास टाइम नहीं होता है उनसे आप एक मिनट की कीमत पूछ सकते हैं। चलिए, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आऊँगा आपके लिए कुछ नई ट्रिक्स। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से करा सकूँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।